गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राधा प्रिया फ्रॉम डीपीएस गार्डन। आज मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर वन क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर वन डिग्री का। सबसे पहले हम समझेंगे नंबर्स और नंबर्स नेम। नंबर्स जो भी हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हमारा होता है नंबर्स। एंड नंबर्स नेम मीन्स जो भी हम उसका स्पेलिंग लिखते हैं वो नंबर्स नेम होता है। तो नंबर्स नंबर्स को हम या तो न्यूमरल्स भी बोल सकते हैं या फिगर्स कहते हैं। और यहाँ नंबर्स नेम को हम वर्ड्स में भी लिखते हैं या नंबर्स नेम, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं 3 डिजिट नंबर, तो इसको प्लेस करने होता है 1, 10 and 100। जैसे 138, तो यहाँ 138 है, तो हम 1 को 1 प्लेस में लिखेंगे, 3 को 10 प्लेस में लिखेंगे और 1 को 100 प्लेस में लिखेंगे। और इसका स्पेलिंग हो जाएगा 138। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाते हैं राइट इन वर्ड्स। तो अगर इस तरह आपका दिया हुआ हो और राइट इन वर्ड्स, तो वर्ड्स मीन्स मैं अभी बताई हूँ कि नंबर्स नेम होता है, तो हम उसका स्पेलिंग लिख लेंगे। क्लियर? इस तरह हम चैप्टर वन का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट इन फिगर्स। मैंने आपको बताया फिगर्स, फिगर्स मीन्स होता है जो भी न्यूमरल्स हो या नंबर्स हो, तो ये हमारा फिगर होगा। यहाँ पर आपको सपोज डेट ऐसे वर्ड्स में दिया हो और आपको कहे राइट इन फिगर्स, तो यहाँ लिखा हुआ है 462। क्लियर? तो 462 को फिगर्स में लिखते हैं 462। आप 2 को 1 प्लेस में लिखेंगे, 6 को 10 प्लेस में लिखेंगे और 4 को 100 प्लेस में लिखेंगे। तो हमारा 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ऐड, वो भी हो जाएगा। फोर्थ में सब्ट्रैक्ट, वो भी हो जाएगा। 6 में है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भी हमें पता है। फिर 6 नंबर डिवाइड है, डिवाइड भी हमें पता है क्योंकि ये रीकैप है, इसलिए मैं इसको आगे पूरा चैप्टर में जब आएगा तो पढ़ाऊंगी, रीकैप में हम बस थोड़ा ही पढ़ते हैं। 7 नंबर में आपको बताती हूँ स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स में लिखना है। ट्रू मीन्स होता है जो भी सही होता है, इसलिए हम ट्रू का ट्रू लिखते हैं जैसे टी, और फॉल्स जो गलत होगा उसके लिए एफ लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे। क्लियर? तो पहला है क्यूबॉइड हैज 8 फेसेस, क्या ये सही है? नो, क्यूबॉइड में 6 फेस होता है। क्लियर? इसलिए ये फॉल्स होगा। जैसे यहां हम देखेंगे स्टूडेंट्स, आपने 2 में ही पढ़ा है शेप्स के बारे में, दिस इज योर क्यूबॉइड और दिस इज फेस 1, 2, 3, 4 and 5 and 6। तो ये 6 फेस होता है। ओके, बी है और स्फीयर हैज 6 फेसेस, क्या ये भी सही है? नो, क्योंकि स्फीयर हैज दिस बॉल, इसमें 1 फेस होता है, वो भी 1 क्वाड फेस होता है, इसलिए ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। सी नंबर, अ क्यूब हैज 8 कॉर्नर्स, तो यस दिस इज क्यूब, अब कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं कॉर्नर्स को, जो हमने 2 में पढ़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ओके, इट्स राइट, इसलिए यहां हो जाएगा ट्रू। डी नंबर, अ सिलेंडर हैज 3 फेसेस एंड नो कॉर्नर, यस ये भी राइट है। यहां देखिए आपको, दिस इज शेप ऑफ सिलेंडर, यहां पर सिलेंडर में 3 फेसेस होता है, तो यस दिस फेस एंड दिस फेस एंड नो कॉर्नर, तो ये भी सही है। सिलेंडर में कॉर्नर नहीं होता, कॉर्नर मीन्स वर्टेक्स जो यहाँ है, तो ये चीज सिलेंडर में नहीं होता है। क्लियर? तो इस तरह हम 7 नंबर क्वेश्चन भी डन कर लेंगे।
एट नंबर एट द टाइम शोन बाय द फॉलोइंग क्लॉज, हमें क्लॉज को देख के उसका टाइम जो है वो शो करना है, क्लियर। नाइन नंबर है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ गिवन पिक्चर्स, शेडेड मीन्स होता है जो भी पार्ट को हम कलर किए रहते हैं वो शेडेड पार्ट होता है, जैसे आपको ये शेडेड पार्ट को देख के लिखना है फ्रैक्शन में, ये होल है और इस तरह शेडेड है, यानी वन टू टू पार्ट है तो हम नीचे टू लिखेंगे, शेडेड पार्ट है वन यानी वन बाय टू, क्लियर। इसी तरह बी और सी को भी कंप्लीट करेंगे। टेन नंबर है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स, मैं पहले ही बता चुकी वर्ड्स मीन्स नंबर नेम, तो यहाँ आपको दिया हुआ है 0.75 रुपीज, इसको हम 0 रुपी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 75 पैसे ही लिखेंगे, क्लियर। बी में है 60 रुपीज 80 पैसे, तो हम 65 रुपीज 80 पैसे, तो हम 65 रुपीज एंड 80 पैसे वर्ड्स में लिखेंगे, क्लियर। 11 नंबर है राइट द फॉलोइंग फिगर्स, अब आपको मैंने बताया फिगर्स, तो 5 पैसे लिखा हुआ है यहाँ, 0 रुपी का सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ 0 रुपी यानी 0.5, इस तरह से जीरो फाइव पैसे, क्लियर। इसको हम कहते हैं 5 पैसे। 19 रुपी एंड 75 पैसे, यहां भी आपको दिया हुआ है 75 पैसे, अब हम इसमें पैसे का सिंबल नहीं लगाएंगे, क्लियर। 12 नंबर है क्लासिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और कर्व लाइन, आपको बहुत सारी लाइंस दी हुई है उसमें आपको क्लासिफाई करना है, तो कर्व लाइन जो लाइन इस तरह टेढ़ी गई उसे हम कर्व लाइन बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्लीपिंग लाइन होता है। उसी तरह वर्टिकल लाइन जो होता है, यहां देखेंगे ये लाइन आपका कर्व लाइन हो जाएगा, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो स्लीपिंग लाइन होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो स्टैंडिंग लाइन होता है उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब हम जो भी मेजरमेंट है उसका सुटेबल यूनिट डालेंगे, जैसे अ वॉल इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि वॉल जो है बहुत लंबा होता है तो हम मीटर का यूज करते हैं। एंड इरेजर इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, इरेजर का साइज बहुत ही छोटा होता है इसलिए हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे। अ बुक वेट इज अबाउट 200 ग्राम, क्लियर। अ ग्लास होल्ड अबाउट 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इस तरह हम 13 नंबर भी कंप्लीट कर लिए। अब 14 पे आते हैं, काउंट द नंबर ऑफ ईच फ्रूट एंड राइट इन गिवन टेबल, आपको फ्रूट्स दिए हुए हैं चित्र में और इसको फ्रूट को देखकर उसका नंबर ऑफ फ्रूट को लिख देना, क्लियर। थैंक यू।